वितरिला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत बटी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात बड़ी सिख्या गुरु पाद पद्म वितरिला प्रविष्ण विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमात भक्ति विलास श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्तिवेदांत माधव महाराज, भक्तिवेदांत बन महाराज, भक्तिवेदांत गोविंद महाराज, भक्तिवेदांत सिद्धांत महाराज, भक्तिवेदांत श्री शांत महाराज और पुरी महाराज और विष्णु महाराज, हरिजन महाराज, परमंत महाराज, काटी महाराज, बहुत वैष्णव है, सब वैष्णवों के चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग आज इस साल दो दो महापुरुष का ये सप्तवार्षिक महोत्सव को उपलब्ध करते हम लोग अलग अलग जगह पर ये महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। और इसी साल हमारे श्रील भक्तिवेदांत श्री बामनी गोस्वामी महाराज, श्रील भक्तिवेदांत श्रील है गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। मानो यहाँ पर भी ये गंगा जमुना, एक तो भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, श्री बामन गोस्वामी महाराज, फिर उसको साथ साथ में श्री ये नवद्वीप धाम का परिक्रमा। मानो ये जो साल है और ये जो स्थान है और ये कहते समझो ये सोने में, ये पूरा के पूरा सोने में ये सुहागा है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान ये तिथि को उपलब्ध करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी यहाँ प्रश्न होता है तो ये महापुरुषों ने ऐसे कौन सा काम करके गए जो कि हम लोग इतने पूरा साल भर अभी दिल्ली मठ में, नोएडा में और अलग अलग जगह पर, फिर अलग अलग जगह पर भी एक साल तक ये महोत्सव पूरा के पूरा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अभी इन लोगों ने ऐसे कौन सा चीज जो हमें प्रदान किया है जिसके लिए हम लोग इतने धूमधाम से हम लोग ये परिक्रमा को बाकी ये महोत्सव को हम मना रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कल जिस समय श्री चतुसन श्री पृथु महाराज जी को घर में आते हैं उसी समय भगवत अवतार श्री पृथु महाराज ये साधु संग साधु दर्शन का महिमा कहते हैं। बोले तुलयाम लवनापि न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। इसका मतलब है अगर जीवन में एक लव अगर साधु संग हो, एक लव कितना समय है कहते एक सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का जो एकमा भाग है इसको एक लव कहते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी से पुण्य आर तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध कहते तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरी तुला एक अंग। ये सब मिल करके नहीं, जो फल एक साधु संग। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। तब इसी विषय पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो प्रश्न करते हैं भैया साधु संग से इसे क्या चीज मिलता है हमें जो एक लव साधु संग की इतने महिमा बताए। ये साधु लोग हमें दिया किया कहते वो उदाहरण देते हैं भक्ति एक लता है, लेकिन लता का अगर बीज नहीं हो फिर तो ये लता कैसे बन सकती है। लेकिन जो भक्ति रूपी जिसको महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये भक्ति रूपी लता के बीज प्राप्त होता है। अभी प्रश्न होता है भैया ये भक्ति लता बीज मिलता है कहाँ से, बोले साधु से ही मिलता है। आज जब तक बीज नहीं होगा वहाँ पर लता नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं
महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नाही, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना आए खाए। भक्ति का दूर तो बात ये संसार ही नष्ट नहीं होता है, इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा है साधु संघ की। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म जब ये श्लोकों को व्याख्या करते थे, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरुदेव जब रूप शिक्षा के ऊपर क्लास देते थे, गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले देखो ये भक्ति लता बीज ये श्रद्धा है भाई, ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम ये भक्ति रुतमा। इसलिए कहते जीव के हृदय में कहते नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटम हृदय साध्यता, बोले जीव के हृदय में तो वो बीज है, वो बीज तो ऑलरेडी है। जैसे स्वाधीन नक्षत्र का पानी बरसने पर जब हाथी को सर पर गिरता है गजमुक्ता बनता है, केले के वृक्ष में पड़े तो गुरुदेव का एक व्याख्या है कहते ये कर्पूर बनता है, अगर जब मृग को नाभि में पड़ता है कहते कस्तूरी बनता है, लेकिन सांप का सर पर पड़ने पर वो मणि बनता है। लेकिन उसका ऑलरेडी तो ये भाव है जीव के हृदय में, लेकिन गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे, क्या बात कहते थे, अगर उसमें पानी देने का जरूरत है, लेकिन पानी अगर खारी पानी दे दोगे ना फिर क्या होगा, फिर मर जाएगा। बोले ये खारी पानी क्या मतलब किया, अगर ज्ञानी कर्म योगी का अगर संग मिलेगा तो फिर जो भक्तिलता भी है ना वो फिर तो आगे बढ़ेगा नहीं, फिर तो कहाँ ज्ञान कर्म योग का तरफ में चले जाएगा, उसमें मीठा पानी देने चाहिए। फिर गुरुदेव कहते थे मीठा पानी तो मीठा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा मिश्री दे दो, फिर उसमें नींबू डाल दो हैं, फिर उसमें कर्पूर डाल दो, उसमें कितने सुगंध होगा। तो गुरुदेव कहते थे मूल जो संग है, संग जैसे संग कर दो वैसे रंग मिलेगा। इसलिए श्री हमारे श्री वित्रासुर कहते हैं मम उत्तम श्लोके जनेशु सख्य संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, हे प्रभु अपना कर्म के हिसाब में आप कहीं जन्म क्यों नहीं दे, लेकिन मम उत्तम श्लोके जनेशु सख्य, लेकिन इस सख्य किसको साथ में होनी चाहिए, कहते उत्तम श्लोक भक्तों को साथ में। फिर गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे, बोले भैया भक्त भी तो बहुत रखा है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम भक्त भी है, लेकिन उत्तम भक्तों का अंदर में भी तो उसमें भी काटा घड़ी है। तो गुरुदेव कहते थे अगर हमारी संग ब्रज रस रसी का अगर संग हमें मिल जाए ना, जिससे पानी ऐसे पानी हो जो मीठा पानी नहीं, उसमें बड़े सुंदर अगर कृष्ण रस भाविता मती क्रियताम कुतापि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य मेकलम कोटि सुकृते अपि न लभ्यते। जहाँ राय रामानंद कहते हैं अगर जीवन में ऐसे भक्तों का संग मिले जो कृष्ण रस भाविता मती, अगर जीवन में ऐसे अगर संग किसको प्राप्त हो गया, गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे कि रुई को पानी में डुबो दो क्या होगा, जैसे उसको कण कण में ही पानी समा जाते हैं, ऐसे हमें भक्त संग चाहिए जिनका मति संपूर्ण कृष्ण रस भक्ति में विभावित है। फिर गुरुदेव और एक बात कहते थे अगर कृष्ण रस भाविता मति, अगर किसको राधा रस भाविता मति मिल जाए, जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभाष्य तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगा। अगर हमें कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, तीन विशेष करके तीन वस्तु चाहिए। बोल तीन वस्तु क्या है, बोल अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु, जब तक कि तुम राधा रानी की चरण को अगर अंकित से वृंदावन धाम राधा रानी के चरण और विशेष जो बात है जो राधा रस में जो डूबे हुए ऐसे संतों का संग जब तक नहीं करोगे भैया तब तक कृष्ण मिलने वाले नहीं। लेकिन यद्यपि कृष्ण मिलते हैं दूसरों को मिलता है, द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण मिलते हैं, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन राधा कांत जो कृष्ण है
जब तक श्री राधा रानी के ऐसे भक्तों की शरण कोई ग्रहण नहीं करता है, उनको राधा कृष्ण, राधा कांत कृष्ण, कुंज बिहारी कृष्ण नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, ऐसे कौन है, हमारे श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जैसे हमें संग प्राप्त हुआ है। जो कि अब जैसे कि कल हमारे महाराज जी बता रहे थे ना, हमारे कुंड महाराज जी बता रहे, अंग्रेजी महाराज श्रौती महाराज बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। गुरुदेव ये कहते थे इसी जीवन में हमारे लक्ष्य स्थिर हो जाए, भले ही किसी जीवन में वहाँ मिले कोई बात नहीं, लेकिन इसी जीवन में अपना लक्ष्य को स्थिर कर लो, लक्ष्य स्थिर कर दो। इसलिए महाप्रभु जिस महाप्रेम को, ब्रह्मा का एक दिन में जिस प्रेम को देने के लिए इस जगत में महाप्रभु जैसे वो अनर्पित चरिन चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान सुभक्ति श्रियम। इसलिए कुछ कुछ लोग हमारे गुरु जी को ऊपर में कटाक्ष करते हैं, बोले क्या नारायण महाराज गोपी प्रेम ब्रज प्रेम ये सब क्या सब बात करते हैं नारायण महाराज। लेकिन जो नारायण महाराज उन्होंने दिया किसी चीज को, महाप्रभु जी से प्रेम को देने के लिए आए थे, उन्होंने इसको सिवाय कुछ दिया ही नहीं। महाप्रभु इसीलिए आए थे, इसलिए तो महाप्रभु जगत में आए। इसलिए महाप्रभु को महाबदान्य रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, नम महाबदान्य, वो बादान्य नहीं, वो महा महाबदान्य महाप्रभु। लेकिन उसमें भी जो महाप्रभु है हमारे गुरुदेव, वो महा महा महाबदान्य हमारे गुरुदेव महा, क्योंकि अगर इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यद्यपि ये वस्तु दुर्लभ है जगत में, दुर्लभ वस्तु है जगत में, क्यों, जिसको प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं वो क्या कहते हैं, ए मन गौर बिना नाही आर, ए मन गौर बिना नाही आर, है ना बतार हवे की होय छे, है ना प्रेम परचार दुरमति अति पतित पासंडी प्राणी ना मारिल करे हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाची गिया घरे घरे। इसलिए महाप्रभु ये जो दुर्लभ प्रेम है, जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु आचंडाले चंडाले ब्राह्मणे करे कुला कोली कबे बा छिलय रंग। कभी देखा क्या चंडाल ब्राह्मण भी एक साथ में आलिंगन करते हुए निताई गौर प्रेमानंदे कभी ये चीज को कभी देखा है, जैसे श्रीमान महाप्रभु इसी प्रेम को ही देने के लिए आए थे। सचमुच से वो जो प्रारंभ कहां से बोले नवद्वीप में श्रीमान महाप्रभु एक स्कंध रूप में प्रकट हुए, उससे दो शाखा निकली, कौन, एक नित्यानंद एक अद्वैत, उसमें भी अनंत शाखा निकली, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस एक एक शाखा है, उसमें भी स्वरूप दामोदर रामानंद शाखा हुए, इसी शाखा में ही फिर नरोत्तम श्यामानंद एक शाखा हुए, और उसी शाखा में ही फिर कौन हुए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उसमें भी आए, और उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद एक शाखा बने, और उसी शाखा में कौन आए, श्रील भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज, और उसी शाखा से ही एक विशेष शाखा हुई, कौन है, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, ये एक विशेष शाखा हुई है। सचमुच से महाप्रभु ही जगत में जो चीज को देने के लिए आए थे, उनने और कोई अलग चीज नहीं दिया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जैसे कौआ क्या खाता है, नीम फल खाता है, लेकिन कोयल क्या खाता है, आम के मकुल आम का मधुपान करता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैंने अगर ये बात को नहीं बोलूंगा तो जगत को मिलेगा कैसे, जिनको मिल नहीं सकता है। इसलिए महाराज भी यही बात कहा करते थे, अगर मैंने ये चीज को नहीं बोला फिर जगत में बोलेगा कौन, नहीं तो धीरे धीरे महाप्रभु धारा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, हम लोगों का कण कण में ही उन्होंने ऐसे गुरुदेव हमारी कण कण में ये रस को गुरुदेव ऐसे कण कण भर दिया ना,
हमारे मन में कहीं भी जाओ, जैसे महाराज जी जब शुरुआत कहीं कथा करते थे ना, बाच बेगम मनस क्रोध बेगम, यहाँ से शुरू करते थे, लेकिन गुरुदेव जब समाप्त करते थे, बोले आराध्य भगवान ब्रज से स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना, बोले ब्रजवधु वर्गेन जा कल्पित। महाराज लास्ट में लेकर के वहीं पर जैसे स्थापन करते थे, ब्रज गोपियों ने जिस प्रेम को प्राप्त करना चाहते वो हमारे लक्ष्य है। इसलिए हम लोगों का कण कण में गुरुदेव ने ऐसे ठोस ठोस कर भर दिया ना, गुरुदेव हमारे अंदर में से ठोस ठोस कर भर दिया। हम भी कई कथा करते हैं ना, जब तक वो ब्रज बात ब्रज लीला को नहीं करते तब तक हमारा जी नहीं भरता है, हमारे जी नहीं भरता है। इसलिए जैसे श्रीमद महाप्रभु जब इसी जगत में आए, वो अकेले नहीं आए महाप्रभु, और अकेले नहीं आए, कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कारी सपार सदसियो धाम साहब। महाप्रभु जैसे धाम परिकर लेकर के आए, जैसे प्रभुपाद को नयन मणि मंजरी कहती है, क्या कहती है नयन मणि मंजरी प्रभुपाद, जाओ ये जीव का दुर्दशा को देखो, देख करके इनकी कल्याण करो। उसी तरह जब हमारे महाराज भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज आए, वो अकेले नहीं आए, वो अकेले नहीं आए। इसलिए नारायण महाराज को हमारे महाराज जी किसने कहा, महाराज जी आप इतने लोगों को प्रचार करके ला रहे हो, इतने लोगों को क्या करोगे, इनको रोकया करेगा कौन। गुरुदेव स्वयं कहते थे एक नारायण जा रहा है, मैं अनंत नारायण को मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, ये गुरुदेव का वाणी है। इसलिए ये सभा में जो बैठे हुए हैं ये एक एक गुरुदेव। और एक बात कहते थे, बोले शेर का बच्चा शेरी होता है, शेर का बच्चा शेरी होता है। अभी महाराज जो बात कर रहे थे ना, शेर का बच्चा शेरी होता है, ये सबके सब शेर है, ये सबके सब शेर ही और कोई नहीं है। सचमुच से देखो आप दूसरे दूसरे गौड़ी मठ में जाओ, हरिकथा सुनो, और हमारे महाराज की गुरु वर्ग का जो देह इनकी जो हरिकथा सुनो ना, सब फीकी लगेगी इनको, हरिकथा सामने सबके सब फीकी लगेगी। इसलिए जैसे श्रीमान महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा महाप्रभु ने एक एक अभिष्ट को उन्होंने पूर्ण किया, जैसे रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने रस को, जीव गोस्वामी के द्वारा सिद्धांतों को, नामाचार्य हरिदास द्वारा उन्होंने नाम नाम को, ऐसे देखो हम लोग को अंदर में देखो, हमारे माधव महाराज को देखो, सिद्धार्थ इनका नाम ही सिद्धार्थ महाराज, जब कोई सिद्धांत के ऊपर में देखो हमारे महाराज जी, कोई अगर सिद्धांत पे थोड़ी सी उल्टा पुल्टा बोले ना, बड़े बड़े महाराज का छक्का छुड़ा देते, बड़े बड़े महाराज का छक्का छुड़ा देते। अभी बन महाराज की कथा सुन रहे थे ना, बन महाराज जी ये तो हरिकथा के मूर्तिमान स्वरूप, ये कथा हरिकथा के ऊपर में पेट रोटी हजम नहीं होता है, इसलिए हमारे बावन हमारे से बन महाराज जी के द्वारा इनका रोटी नहीं हज। अब तीर्थ महाराज को देखे कि नहीं, तीर्थ महाराज की हम लोग तो कभी कभी हरिकथा, जैसे मथुरा में रहते थे गुरुदेव क्या करते थे, सबको खड़े करते थे, हम लोग सबके सब देखते थे एक महीना पहले 15 दिन पहले, लेकिन तीर्थ महाराज कैसे थे अद्भुत, उनके अंदर में रोसी कर रहे, इधर रोसी बना रहे, रोसी करते करते उनको भुला लिया महाराज की हरिकथा करने के लिए, और पहने हुए साथी पहने हुए सर पर पगड़ी बांधे हुए और सीधा करके, कोई उनका जो मेमोरी है ना, एक बार उन्होंने ये नवद्वीप परिक्रमा में तीर्थ महाराज महाराज खड़ा किया, उन्होंने वेदांत सूत्रों को पर बोले तीर्थ महाराज, क्या पता नहीं मेरा दिमाग क्या है, कोई स्पेशल दिमाग इनके, वो आए क्या वेदांत सूत्रों को पर तीर्थ महाराज, क्या झरी लगाए, जिसको सुन करके ना, जब हम महाराज जी तेल लगाते थे नारायण गोस्वामी महाराज को कथा तेल लगाया करते थे, जब हम तेल लगाने के लिए गए तब महाराज उस समय सारी कथा का डिस्कशन होता था, आज कौन कैसे, मतलब महाराज की जो चित्तवृत्ति है आप लोग देखे होंगे 24 घंटा हरी कथा के बगैर गुरु जी के अंदर कोई थी नहीं। इसलिए मैं जब पुरी में था, हमारे नंदन नंदन प्रभु मेरे को भेजा, उन्होंने कृपा की है, जब मेरे मन में भाई हरी कथा सुनने की बोलने की इच्छा होती थी, बोले हरी कथा सीखोगे, बोले जाओ, बोले कहाँ, बोले जाओ मथुरा में नारायण गोस्वामी महाराज के पास में जाओ, इन्होंने मेरे को महाराज के पास में उन्होंने भेजा महाराज के पास में। सचमुच से मैं जब मथुरा में आया, देखा कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी है ना, वहाँ पर संपूर्ण रूप में प्रवाहित हो रहे, तीन तीन चार चार एक दिन में हरिकथा, गुरुदेव के पास में हरिकथा, गुरुदेव स्पर्श मणि थे,
जैसे पारस पत्र में लोहे को स्पर्श कराओ और सोना बनाती है, लेकिन पारस पत्र नहीं बनाती। लेकिन हमारे नारायण गोस्वामी महाराज वो क्या थे, पारस पत्थर थे, उन्होंने सोना नहीं बना, क्या बनाया उन्होंने, पारस नहीं बना दिया गुरुदेव ने। इसलिए गुरुदेव का तो अनेक महिमा अनेक, मैं तो अभी शुरुआत कर रहा था महाराज मेरे गुरुदेव का महिमा को, अगर गुरुदेव का दो मिनट बोलो, गुरुदेव का ना अगर सप्तम गोस्वामी, अगर गुरुदेव सप्तम गोस्वामी किसको बताया गया, केवल भक्ति विनोद ठाकुर गोस्वामी छे, सप्तम गोस्वामी किसी को नहीं बताया, लेकिन केवल भक्ति विनोद ठाकुर को ही सप्तम गोस्वामी बनाया। लेकिन अगर हम भी देखते हैं हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को देखते हैं ना, अगर उनको सप्तम गोस्वामी रूप में बोलो तो उसमें कोई अतिथि नहीं, कोई ज्यादा बोलना नहीं। महाप्रभु ने छह छह गोस्वामी को जो जो आदेश दिया, हमारी महाराज का जीवन में देखो पूर्ण रूप में सप्तम गोस्वामी का जो काम है हमारे महाराज ने किया है। क्या किया, बोले विग्रह स्थापन करना, और विग्रह उन्होंने विग्रह को स्थापन किया, कितने स्थान उन्होंने मंदिर बनाया, केशव जी गौड़ी मठ, रूप सनातन गौड़ी मठ, गिरधारी गौड़ी मठ, कितने उन्होंने, और हमारे श्री कलकत्ता में कौन सा गौड़ी मठ, कलकत्ता में बामन गोस्वामी गौड़ी मठ, उन्होंने कितने गौड़ी मठ में विग्रह कितने स्थापन किया। और राग भक्ति को प्रचार करना, सचमुच से देखो उन्होंने विशेष करके महाराज जी को अंदर में जो देन है ये राग भक्ति को विशेष पूर्वक उन्होंने महाप्रभु धारा को अखंड रूप में, अगर कोई जगत में पूरा हो रूपांग को धारा को, इसलिए महाराज तीन तीन दिन जो हम अपना अपनी आप को रूपानुग कह करके हम अपना गर्भ अनुभूति करते हैं, ये रूपानुगत को महाराज ने हमारे वृंदावन रूप सनातन मठ में तीन तीन दिन तक बड़े बड़े विद्वान को बुला बुला करके तीन दिन तक एक केवल तत्व को ऊपर में जो गंभीर डिस्कशन होता, जो लोग देखे हम लोग सुने होंगे। इसलिए दूसरे दूसरे गौड़िया मठ के लोग, इस्कॉन के लोग भी कहते हैं अगर कहीं महाप्रभु सही सही धारा, महाप्रभु का सुखमाति सुखम तो विचार है, अगर किसी मठ में अभी भी विवेचना हो रहा है केवल श्री नारायण गोस्वामी महाराज की मठ में ही ये चीज हो रहा है। ये सबके सबके बाप एक स्वर में कहते हैं। इसलिए छह गोस्वामी को ऊपर में जो दायित्व दी गई विग्रह स्थापन करना, लीला स्थलियों को देखो ब्रज में कितने जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था, माधव महाराज द्वारा हमने सब करवाए, भांडरी भट्ट जैसे, और जैसे उद्धव उद्धव किया है, ब्रह्मा भट्ट जाभट्ट, ऐसे बहुत सारे उन्होंने गुरुजी ने बहुत सारे ब्रजमंडल में बहुत सारे, और इनको जो ग्रंथों के ऊपर में जो इनकी देन है ना, विशेष करके ग्रंथों के ऊपर में हम इनको कहते हैं ये तीन मृदंग है। एक है साधारण मृदंग, साधारण मृदंग मतलब क्या, गुरुदेव का जो भजन आप लोगों ने सुना, मैं जब सबसे पहले मथुरा में आया सारे गौड़ी मठ में देखता था जो नमामि स्वरम उसको ऐसे गा देते थे, लेकिन पहला बार जब मैं मथुरा में आया गुरुदेव तो एक महीना तक उसको गाते थे, क्या गुरुदेव का गला नहीं कोकिल जैसे कूदती है ना, ऐसे गुरु जी की सुखद सुगर। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में जब कोई आते थे बोले हम भजन सीखेंगे, बोले जब गौर नारायण के पास में, बोले हम नारायण महाराज के पास में है नारायण। फिर दूसरे मृदंग कौन सा मृदंग, जो बृहद मृदंग ग्रंथ, गुरु जी का जो ग्रंथ के ऊपर महाराज का जो देन, जो कि सारा दुनिया में गुरुदेव जो अक्लांत परिश्रम करके, इसलिए हमारे भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज कहते थे जो व्यक्ति सबसे बड़ा दाता किसको कहते, भूरिदा जना, जो कृष्ण कथा को दान करते हैं, लेकिन कृष्ण कथा को जो स्थिर रूप में अनादिकाल के लिए ग्रंथ रूप में जो स्थापन करके जाते हैं वो कहते थे सबसे बड़ा दान है। इसलिए कहते थे तब कथा मृतम ताप्त जी बनाम कभी भी रे रीतम कल्म सापम श्रावण मंगलम श्री मदा तता देव। और जीवंत मृदंग रूप में माधव महाराज सारे जीवन दुनिया महाराज रत्न घूरे, कितने 36,000 साल दगता है पूरा दुनिया में घूरे। इसलिए गुरुदेव का तो अवदान है ना,
इतने उनकी कथा, इतने उनकी कथाएं हैं, इतने जो कि खत्म नहीं हो सकता है। अभी तो मैं शुरुआत किया था, महाराज बोलने नहीं देते थे, महाराज का आशीर्वाद है। इसलिए महाराज हम लोग भाग्यवान है जो ऐसे गुरु जी की केवल हम सान्निध्य में आए, जिन्होंने कृपा करके। और एक चीज़ देखो तो बता, जो जो परिक्रमा है ना, देखो जो परिक्रमा है, आप लोगों को पता होगा, परिक्रमा पहले हम लोग एक मठ में थे, जब दूसरे मठ में आए, यद्यपि वो परिक्रमा महाप्रभु से शुरुआत हुआ है, लेकिन परिक्रमा बढ़ते बढ़ते जब गुरुदेव एक मठ से जब ये मठ को स्थापन किया, हम सोच रहे थे पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन गुरुदेव जब पहला बार यहाँ परिक्रमा किया, कुछ तो उल्टा पुलटा आधी तूफान आई, लेकिन जिन लोगों ने थे, आप लोग देखे होंगे, सारे गौड़ीय मठ में मिल करके जितने लोग परिक्रमा में होंगे, लेकिन हमारी मठ में उससे अगर देखोगे तो उससे ज्यादा लोग हमारी मंदिर में परिक्रमा में थे, ज्यादा लोग थे। अभी भी देख लो जो कोरोना में दूसरे दूसरे गौड़ीय मठों ने बंद परिक्रमा बंद कर दी, इसको दूसरे दूसरे, लेकिन देखो अभी तो हम सोच रहे थे पता नहीं ज्यादा लोग आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन देखो कथा करते करते नाथ मंदिर पूरा पूरा भर गया, नाथ मंदिर पूरा पूरा भर गया। ये गुरु जी का ही विशेष विशेष, हर चीज में गुरु जी की विशेष विशेष वैशिष्ट। इसलिए हम लोग सौभाग्यवान ऐसे गुरु जी की सान्निध्य में आए, जो इनकी संग ही हमें मिल गया। हम लोग सोचते हैं कम से कम हमारे हृदय में बीज तो बो कर गए, ब्रज भक्ति का जो बीज बो कर गए, हम सोचते हैं यही हम लोगों के लिए भले ही किसी जीवन में हमें मिले, लेकिन यही हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी गुरु जी का देन है। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण, आप लोगों ने विभिन्न वक्त से श्रवण किया, मेरे सुधर भाई बता रहे थे बोले कोई गलत सिद्धांत बोल के माधव से पार नहीं पा सकते। जब यह दिला दिया बताई देता हूँ, महाराज जी के पहले 10 मिनट के अंदर महाराज जी बताया, जिसका जैसा संग है ऐसा राम होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। गुरुदेव के सिद्धांत तो 10 मिनट के अंदर वक्ता में देख लीजिए, इनका सिद्धांत भूल है। महाराज की रूप शिक्षा जो क्लास है, आप लोग उसको टेप रख लीजिए, आप उसको खोल कर देख लीजिएगा। गुरुदेव जब ब्रह्मांड भ्रमित और भाग्यवान की, जब गुरुदेव किसी प्यार के ऊपर में गुरुदेव का जो व्याख्या है आप सुन लेना। गुरुदेव कहते जैसे बीज है, पेड़ है, अगर उसमें खारी पानी दोगे तो क्या होगा, सूख जाएगी, लेकिन अगर उसमें मीठा पानी दोगे तो क्या होगा। गुरुदेव कहते थे अगर हमारे जीवन में जद्यपि एक प्रोटीन स्वरूप में है, लेकिन एक व्यक्ति ज्ञान का तरफ भी क्यों जाता है, जो क्या उसको प्रोटीन में है, लेकिन जीव का स्वरूप है कृष्ण, जीवन कृष्ण नित्य दास है, ये तो स्वरूप है, फिर उधर क्यों जाता है, ये संगत में है। ये जगह गुरुदेव का सुन लीजिएगा, वहां पर गुरुदेव क्या होता है। अब खोल रामचंद्र जी कह रहे हैं ये गुरु जी नेगेटिव के लिए कहा, अर्थात पहले भूमिका करना पड़ता है। हमारे जब स्कूल में पढ़ता, हमें जब पढ़ता था, हमारे टीचर उदाहरण देते थे, बता राजा लज काटा कुकुर हरिया गया हराइया गया छे, जिन्हें पाई बहन खुजिया दिले पुरस्कृत हरी बहन, बता राजा का कुछ काटा कुत्ता खो गया, किसको मिले तो देने पर पुरस्कृत किया जाएगा। पहले तो ये न फोन था, न टेलीविजन, न रेडियो, न कोई इंस्टाग्राम, न ये सब, तो बोले राजा का पूछ काटा, तो प्रजा सोच रही अरे क्या हमारे राजा का पूछ सा कट गया, तो पूरा नहीं सुनता है ऐसा, मैंने आधा सुनने से नहीं होगा, पूरा सुनना पड़ेगा। लेकिन हम लोग मन पूरा सोचना ही, हम लोग ये हमारा समुद्र का होगा ना, पहले प्रश्न चल रहा है। हरे कृष्ण, आज के आखिर वक्ता श्री हरिजन महाराज বাংলায় গুরুদেব গুরু মহারাজের মহিমা বর্ণন করবেন শ্রী হরিজন মহারাজ। তার আগে বলে দিচ্ছি আগামীকাল মঙ্গল আরতির পর 5:30 আমরা এখান থেকে কীর্তন ভূমিকে রওনা হয়ে
যেমন প্রতি বছর আমরা দেবানন্দ মঠে যাই, ওখানে যাবো হরি কথা, তারপর সংকল্প করে এখানে ফিরে আসবো। কাল সুবে হামলোক মঙ্গলারতি কে উপাদান 5:30 বাজে इधर से कीर्तन अभिमुखे निकल करके परिक्रमा करके हर साल जाते हैं, से करके वापिस आएंगे। पहले देवानंद मठ, फिर संकल्प। ये परिक्रमा को सुश्रुत में परिचालना करने के लिए जो दायित्व बंटन किया गया है इसे सुना देता हूँ। पहले श्री परिव्राजक महाराज, श्री धर्म, श्री तीर्थ महाराज, हम तीनों मिलकर बैठे करते थे। अब तीर्थ महाराज न रहने के कारण परिव्राजक महाराज में और भारती महाराज को बुला था, अभी इसमें कुछ संजोग वो जानते हैं, कुछ तीनों मिल के जो किया गया है आपको सुना देता हूँ। श्री समाधि मंदिर, गुरुदेव के समाधि मंदिर में अर्चन में सुबल सखा ब्रह्मचारी, श्री सुबल सखा ब्रह्मचारी मंदिर में, बड़े मंदिर में श्री दयानिधि ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी, राधाकांत ब्रह्मचारी, तीर्थ महाराज समाधि मंदिर जय कृष्ण ब्रह्मचारी, महाप्रभु पालक सजन दायित्व राग लेखा दीदी, महाप्रभु पालक सजन यदि वैष्णव महाराज युद्ध बसे व्यस्त समस्त दायित्व राग लेखा दीदी ऊपर एवं पार्टी, महाप्रभु पालकी चलाकालीन रास्ता जेखने जेखने हमें अधिष्ठान ओखने पालकी थकबें दिनार्ती ब्रह्मचारी, महाप्रभुर পালকিতে অর্চনে থাকবেন বিনার্তি ব্রহ্মচারী, জল সরবরাহের দায়িত্বে থাকবেন মদন মোহন ব্রহ্মচারী, বিদ্যুৎ বিভাগে আছেন হরগ্রী ব্রহ্মচারী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দায়িত্বে মধুসূদন ব্রহ্মচারী ঝন্টু, চিকিৎসায় আছেন ভারতী মহারাজ, দিল্লি থেকে নবীন টিম, এবং যদি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন ডক্টর সাহা তাহলে উনি থাকবেন। প্রসাদ পরিবেশনে পূজ্যপাদ পরিব্রাজক মহারাজ অনুরক্তে সমস্ত সন্ন্যাসীবৃন্দ, আজ অনুমাদি বলছিলেন কি তীর্থমাঘ পরিবেশনে যেতেন করতেন যেতে নিশ্চিত, আমি যেতাম। আজ পরিব্রাজক মহারাজ শরীর খারাপ, তুমি গিয়েছেন, আমি বললাম মহারাজ আমি তো আছি, বলছেন একটু বসি। পরিব্রাজক মহারাজ আমি আর দুজন সন্ন্যাসী ছিলেন, আর কেউ ছিলেন না। আমি অনুরোধ করছি আপনারা একটু জানিয়ে একটু লাইনে ঘুরলে যাত্রীরা উৎসাহ পান, আর কি হবে তাহলে দেখবে, দেখো এরা সবাই পরিবেশন এসেছে, তোমাদের একটু আনন্দ হয়। তারপর কীর্তন পার্টি ফল করতাল, আগে তীর্থময় দায়িত্ব ছিল, এখন ভারতী মহারাজ দায়িত্ব সামলাবেন, শ্রী ভারতী মহারাজ, রান্না এবং ভান্ডার প্রদ্যুম্ন বাবাজি মহারাজ, যাত্রীগণের রিক্সা নির্ধারণ আমি নার্সিংহায় অনুরোধ করি, আজ উনি পরিব্রাজক মায়ের কাছে গিয়ে ওগুলো লিখে নেবেন গতবারে কি ছিল। মাইক ব্যবস্থায় বৈষ্ণব বেণুগোপাল ব্রহ্মচারী, বেণুগোপাল মাইক ব্যবস্থায় এবং বৈষ্ণব মহারাজ, গঙ্গা পারে পারে টিকিট আগে হরিজন মহারাজ ব্যবস্থা করত, ওর চোখের অসুবিধার জন্য এই দায়িত্ব ভারতী মহারাজ নিয়েছেন। যাত্রী বাসস্থান বৈষ্ণব মহারাজ এবং ভারতী মহারাজ, দিবাগত পাহাড়ের ব্যবস্থা মধুসূদন ব্রহ্মচারী ব্যবস্থা করবে, পতাকা ব্যানার বেণুগোপাল, পুলিশের তত্ত্বাবধান মধুসূদন ব্রহ্মচারী, অনুসন্ধান অফিসে আছেন সুখদেব দাস, খেয়াপাড়া পারে সমস্ত সন্ন্যাসীজনকে নিবেদন করি, এবং যারা বড়ি থেকে এসেছেন এরা সকলে দেখবেন একসঙ্গে অনেক লোকে না চড়ে যায়, একটু ম্যানেজ করে দিবেন যেমন প্রতিবারে করেছেন। বাইরে প্রসাদের ব্যবস্থায় মদন মোহন ব্রহ্মচারী, বিপিন ব্রহ্মচারী, নিমতলা সঞ্জয়, কীর্তনে আছেন উত্তম প্রভু, হরিপ্রভু, সুচারু, তপন, দীননাথ, এবং আর যারা কীর্তনে রমণী মোহন, আর যারা কীর্তনে সকলে কীর্তনে থাকবেন। আরতি আমাদের প্রতিদিন 5টায় আরতি আমাদের মহাপ্রভু পালকিদের করতেই হবে, যেমন প্রতি বৎসর করেছি, এই জন্য শিল গুরুদেবের এবং তীর্থময় আরতি একসঙ্গে পৌনে 4টার সময় হবে, আর যখন ওখানে আরতি শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে পরিক্রমা হওয়ার পূর্বেই আমাদের শান্ত মহালয় শ্রী জগন্নাথ রাধিত সৃষ্টি শুরু করবেন, যেই পরিক্রমা শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে, আর যদি অন্য কেউ করতে চান তাহলে আসতে পারেন, কিন্তু এখন দেরি করা চলবে না। তারপর কীর্তন প্রবচন 4টা থেকে 7টা পর্যন্ত, নগর ভ্রমিয়া কীর্তন
सन्यानी एवं सन्यानी ब्रह्मचारी उत्तम ब्रह्मचारी যাত্রায় বেরোনোর সময় সকাল ৫টা গ্রন্থ বিভাগে অমল কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী যজ্ঞ উপনয়ন সংস্কার শ্রী বন মহারাজ এবং ঋষিকেশ মহারাজ। একটা আমি আশা করব, যেমন গুরুদেবের সময় পুরো ভরা থাকলে পুরো ভরা আছে, আরো কালকে লোকাস আরো ভরে যাবে। এটা আমি প্রত্যাশা করব। আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন কীর্তন পাঠ দু জায়গায় না এক জায়গায় হলেই ভালো, বাংলায় হবে, হিন্দি হবে, ইংলিশ হবে। যেমন গুরুদেব সে হতো আমরা এখন আরো দুভাগ করে কেন করবো, এক জায়গাতেই কীর্তন প্রবচন এক জায়গাতেই হবে, এখানে বসলে একটা শোভা হয়, সকলে সব শুনতে পায়, সকলে বিভিন্ন প্রকার শুনে তাদের বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই জন্য আমি আশা করবো প্রতি বছরে এই রকম এক জায়গাতেই কীর্তন প্রবচন হবে। তারপর আমি এখানে আসার প্রথম দিনে দেখতে যাই সমুদ্রগড়, এখানে যে মেন রোড ওখানে কাজ হচ্ছে, তিনটা কালভার্ট তো যা প্রচুর ট্রাক। এই জন্য আমি পরিব্রাজক মহারাজ, ভারতী মহারাজ, নীলতলার সঞ্জয়, অনুপম সত্য সবকে নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম দেখতে। আজকে আমরা যখন পরম পূজ্যপাদ ছিল ত্রিবিক্রম মহারাজের সমাধিতে গিয়েছিলাম, ওইভাবেই গিয়ে ওই সমাধির দিকে নাম রেখে সোজা যাবো, ওখানে সোজা আগে আমরা সমুদ্রগড়ে উঠবো। এর চেয়ে রাস্তা কম, একদম নির্বিঘ্ন, জন্য আপনারা কেউ আগে ভাগে চলে যাবেন না। যখন হাম লোক সমুদ্রগড়ে যায়েঙ্গে, জেসে হাম লোক আজ গে থে পরম পূজ্যপাদ ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজকে সমাধি মে ইয়া ইসি রাস্তা মে যা করকে বাই ঘুম মোড়ে থে বাই না মোড় করকে সিধা যায়েঙ্গে একদম সমুদ্রগড়, কিন্তু রাস্তা মে রোড ওয়ার্ক চল রহা হ্যায় বহুত খতরনাক হ্যায়। और मायापुर भी गया, क्योंकि मायापुर में जहाँ हम लोग प्रसाद पाते थे उधर लोग मिट्टी डाल दिया था, फिर उन लोगों को बोला बोला आप लोग आने के पहले साफ कर देंगे, फिर मैं गया था देखने के लिए, लोग साफ कर दिया। फिर माधव महाराज भक्ति दल के माधव का समय परिक्रमा तो कैंसिल है, फिर उन लोगों सेक्रेटरी से मैं बात किया, हम लोग आ सकते हो नहीं महाराज जी, पलकपा में इच्छा के आपका स्वागत करेंगे। लेकिन मैं जहाँ जहाँ मायापुर में परसों जाके घूम के आया, एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, নো মাস নো এন্ট্রি। এই জন্য মায়াপুরে আপনার বিনা মাস্কে যাবেন না, এটা আপনার সুরক্ষা, আপনার পরিবারের সুরক্ষা, আমাদের সুরক্ষা, দেশের সুরক্ষা। এই জন্য সকলে মাস্ক ব্যবহার করবেন। যদি আমাদের কোনো সন্ন্যাসী বা দৈনিক বস্ত্র ব্রহ্মচারীর মাস্ক না থাকে, আমাকে আজকেই বলবেন, আজকে তাদের মাস্ক দিয়ে দেবো। এখন আমি শ্রীহরিজন মাকে অনুরোধ করি গুরুচরণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবেন। শ্রীহরিজন মহারাজ পূজারী